तो ये रहा मेरा ये ब्राइडल मेकअप किट। तो यहाँ देखो दोस्तों, ये हमारा गिफ्ट है, ये हमारे पति जी ने गिफ्ट किया है ना। डुबू फैन ऑन कर दो। मैंने थोड़ी, पापा ने मुझे गिफ्ट दी है, गिफ्ट वॉच। इसमें क्या क्या है तो देख लेते। इतना सारा मेकअप, तो इसमें है क्या है, क्या क्या है। तो ये क्रीम, ये है प्राइमर, ये पाउडर, ये है मतलब फाउंडेशन, ये है मस्करा, ये है आईलाइनर, ये है मैट, समर मैट ब्लश, और ये है आई पॉप, आई शैडो, और ये है मतलब ये सारा मेकअप मेरा। इतना सारा ये लिपस्टिक है और सिंदूर भी है। गुड मॉर्निंग। और ये ब्लॉग है मेरी एनिवर्सरी के मॉर्निंग के नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग है ये। तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, बस थोड़ा सा ही ब्लॉग शूट कर पाई थी। मेरे हस्बैंड ने जो गिफ्ट दिया था वही मैं शूट कर पाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से मैं ब्लॉग वगैरह कुछ शूट नहीं कर पाई। तो अभी अभी उठी हूँ, अभी बच गए मॉर्निंग के 9, आज थोड़ा लेट हो गई घर में कोई। तो हस्बैंड मेरे जा चुके हैं और घर में मैं और डुगू अकेले हैं, और यहाँ ब्रश कर लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ मैं ब्रश करने बाथरूम में आ गई हूँ, तो यहाँ टूथपेस्ट भी थोड़ा सा ही था, तो उसमें से बड़ी मुश्किल से निकाला, दबा दबा के थोड़ा सा ही रह गया है। और पानी आज मैंने भरा नहीं है, अभी देखती हूँ नल आ रहा होगा तो भर लूँगी। वैसे नल 8 बजे आते हैं, अगर नल चल रहे होंगे, पानी चल रहा होगा तो भर लूँगी, वरना तो कोई बात नहीं। आधी टंकी रखी होगी, गर्म पानी हो गया है बट टंकी में। धो लिया, मुँह भी धो लिया, जो भी करना था वो कर लिया। और तो दुग्गी लाई थी मैगी, तो मैगी बना लेती हूँ उसके लिए। मतलब मैं सुबह से कुछ काम तो नहीं कर रही, मुझको हो ही नहीं रहा है तो काम क्या कर लूँ। तो ये 2 मैगी रखी हुई है, तो मैगी बना लेते हम दुग्गू। और आज हस्बैंड भी नहीं है, उनका न्योता है, तो वो न्योता खाने गए हैं, तो हम दुग्गू है तो आराम से पेट भर जाएगा ना 2 मैगी से। लाइट का फॉक्स थोड़ा, ओहो स्मेल आ रही, इस लड़की ने तो आग लगा दी होती। चालू है गैस, क्यों डोको, क्यों लाली, तुमने गैस चालू कर रखी थी है ना, और बदबू आ रही घर में, ऐसे आग लग जाएगी घर में, ऐसे नहीं करते, समझ में आ गई ना। तो उसने खुला छोड़ दिया चूल्हा, और मैगी के लिए देखो पानी, इतना सारा मैगी, पानी मैगी के लिए पानी, आधा डंका, इसमें 4 पैकेट बन जाएगा। और मैं चाय भी रेडी कर लेती फटाफट। तो चलो फटाफट से चूल्हा साफ कर देते। वैसे तो मैं किचन साफ करके रात में ही सोती हूँ, लेकिन कल रात में जल्दी जल्दी साफ कर गई थी, ठीक से अच्छे से साफ नहीं की है, और छिपकली वगैरह का भी डर रहता है। वैसे मेरे किचन में छिपकली बहुत ही कम आती, बाय चांस ही आती, वरना आती नहीं है। तो यहाँ मेरा किचन साफ हो गया, तो फटाफट से मैगी बना लेते और अपने लिए चाय रेडी कर लेते। और अब भी आप लोगों ने देखा था कि दुग्गू ने गैस ऑन कर रखी थी और गैस जल रही थी और स्मेल इतनी गंदी आ रही थी, वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पर पहुंच गई। अब बच्चों से मतलब इन चीज़ों से बच्चों को दूर ही रहना चाहिए, लेकिन डुग्गू है ना ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनता है। कभी कभी मैं कुछ चीज़ें नहीं बनाती उसके लिए, तो खुद जाके बनाने लगता है। इस लड़के को मैं सुधारूंगी अच्छे से। तो यहाँ देख सकते हो, और मलाई में से मतलब सॉरी दूध में से मलाई निकाल रहा था, जब इसको मलाई कटोरी में निकाल के देती हूँ तब मलाई नहीं खाता है ये, और दूध में से मतलब मलाई निकालने की कोशिश कर रहा था, बोल रहा था मम्मी मैं खाऊंगा इस मलाई में, बहुत टेस्ट है। तो यहाँ मैगी के पैकेट में फाड़ लेती हूँ।
सो फ्रेंड्स, मैं दोनों काम एक साथ संभाल रही हूँ। एक साइड में चाय भी बना रही हूँ, एक साइड में अपना मैगी भी बना रही हूँ। और डुगू को देखो, जहाँ मैं काम करती हूँ या कपड़े धो या रूम में, मतलब मेरे पीछे पीछे ये लड़का घूमता रहता है। इसकी आदत मुझे छुटानी है। इतना बड़ा हो गया फिर भी मेरे साथ ही रहता है, ऑल टाइम मेरे साथ रहता है। स्कूल भी नहीं जाता है, बोलता है कि मम्मी मैं आपकी हेल्प करवाऊँगा, बस आपके साथ रहना है मुझे, कैसे भी घर पे रहना है मतलब। तो यहाँ बननी है मेरी मैगी और मसाले की पैकेट मैंने फाड़ ली। डुगू उदम मत करो। तो यहाँ मैंने मसाला ऐड कर दिया। डुगू हाथ जल जाए। तो ये दोनों पैकेट मैंने मसाले के ऐड कर दिए। डुगू कच्ची मैगी, अब उसमें कच्ची मैगी नहीं है, इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी। नमक तो आप लोग खाओ, इतना स्वाद अनुसार कर सकते हो। और बोलते मैगी 2 मिनट में बन जाती है, मैगी 5 मिनट लेती पूरा। सूप पियेंगे हम, तो सूप पियेंगे मैगी का। तो यहाँ दोनों चीजें बन रही है, रेडी हो रही है। यहाँ आ गया था डुग्गू, बोल रहा था मम्मी जब तक मैगी और चाय बन रही है जब तक मुझे प्यार करो प्लीज मम्मी। ये लड़का हमेशा चाहता है कि मम्मी इसको प्यार करती रहे बस, और ना ही स्कूल भेजे ना ही पढ़ाई कराए, मतलब कुछ भी नहीं। तो मेरी मैगी और चाय दोनों बन के रेडी है। तो मैगी अब हाफ हाफ कर लेते, दोनों पैकेट थी, 2 पैकेट थी ना, तो हाफ हाफ कर लेते, आधी डुगू के लिए आधी मेरे लिए। और आप लोगों को अगर मैगी खानी है तो आप लोग भी आ जाइएगा, और जो भी मैं खाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आप लोगों से भी बोलती हूँ कि आप लोग खाने आ जाइए। और यहाँ देखो डुग्गू कैसे बोल रहा था, मम्मी ये वाली मैगी लूँगा, ये वाली मैगी ज़्यादा है, बल्कि बराबर मैगी थी फिर भी। तो दोस्तों ये रही हमारी मैगी और चाय बन के रेडी है। तो चलो मैगी खा लीजिएगा आप लोग भी। मैगी 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 मैगी, मेरा ट्राइपॉड लेके आओ। मैगी मैगी, तो ये मैगी रखी हुई है हम लोगों की। गेट खोल देती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई बाहर वाले रूम में, तो गेट मैंने खोल दिया है और धूप भी निकल आई है। 9:30 बज गए और मैं जगी तो 9 बजे थी, लेकिन थोड़ा मैगी वगैरह बनाया, ब्रश वगैरह किया, तो 9:30 तो आराम से हो गए होंगे, अब मुझे टाइम तो नहीं पता है। तो यहाँ बैठ के बढ़िया से मैं मैगी खाने लगी, और डुग्गू खा रहा है टीवी देखकर मैगी, और भाई बस आने वाला है। उसने बोला, कॉल किया था, मतलब मैं आधे घंटे से दीदी आ रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है आजा, वैसे भी मैं अकेली हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, और डुग्गू भी बहुत परेशान करता है, तो मैं अपना वीडियो वगैरह भी कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ। और तो मैंने बोला उससे, तू आ जा, डुग्गू को भी खिलाता रहिए, थोड़ा पढ़ा लिखा देना, और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो यहाँ मैंने खा लिया है, पी लिया है। यहाँ देखो डुग्गू, और डुग्गू ने अभी तक खा नहीं पाया, मैंने तो खा लिया है। और बाहर देख सकते हो कितनी धूप हो गई है, और अभी मुझे पानी भरना है, तो नल चालू करके देखती हूँ। सुबह हस्बैंड ने चालू किया होगा, और नहा धो के वो तो चले गए। मैंने कहा मैं लेट उठूँगी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसीलिए उन्होंने मुझे उठाया नहीं, मतलब जग तो गई थी, गए थे जब, मैंने लॉक भी किया था खोल के, और फिर लॉक कर दिया, फिर अभी तक खोला नहीं है। तो यहाँ कपड़े डाल देती हूँ, 2 दिन के यहाँ कपड़े डले हुए हैं। तो फाइनली दोस्तों मेरा भाई आ गया है, और भाई आगे वाले रूम में आके बैठ गया है, और डुग्गू से मैंने बोल दिया था कि डुग्गू गेट खोल दे, तो उसी ने गेट खोल दिए। यहाँ 2 दिन के कपड़े डले हुए हैं वॉशिंग मशीन में, तो जल्दी से मैं इनको धो देती हूँ, फिर मतलब आराम करूँगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और खाना मैं बनाने वाली नहीं हूँ, मम्मी ने बोला था कॉल करके कि गोलू तो खाना खा गया है, मैंने कहा ठीक है खा गया तो अच्छी बात है, मेरे को बनाना भी नहीं पड़ेगा। और मैंने और डुगू ने तो मैगी खा ही चुकी है, और यहाँ सारे कपड़े और सोफे के कवर तो बहुत ही गंदे हो गए थे, मतलब मेरे दांत किटकिटा रहे थे देख के, मतलब बाहर से धूल आती है ना पूरे मतलब सोफे पे आती है, सामने पड़ता है गेट, तो बहुत गंदे लग रहे थे, तो मतलब ऐसे कोई धूल मिट्टी आती तो मेरे तो दांत किटकिटाने लगते, पता नहीं ऐसा अजीब सा मन हो जाता है। तो मैंने सोफे के कवर भी
धोने डाल दिए और मैं आने में थोड़ा लेट हो गई। मेरा कैमरा ऑन था, यहाँ देखो डुकू चोरी चोरी ग्लूकॉन डी पी रहा था। इस लड़के ने सुबह से 4 बार ग्लूकॉन डी पी ली है और यहाँ देखो अपना अपने मर्जी से सारे काम कर रहा है। थोड़ा सा पाउडर लिया, उसने इतना सारा पानी भर लिया उसमें। अब इस लड़के को कौन समझाए, बहुत परेशान हूँ उस नटखट छोरे से मैं। हमने कहा बेटे से चलो हम उसको थोड़ा सा हिला देते तो पाउडर अच्छे से घुल जाएगा, लेकिन नहीं। और लड़का भाग गया, मतलब हमको चिढ़ा चिढ़ा के पी रहा था जैसे हमने कभी पिया ही ना हो। ये लड़का बहुत परेशान करता है। अब मैं रूम में लगा लेती हूँ झाड़ू वाड़ू पोछा ओछा, तो यहाँ पहले तो अपना बेडशीट वगैरह सही कर देती हूँ, उस पर भी थोड़ा बहुत कचरा हो जाता है तो बेडशीट वगैरह लगा के उसके बाद मैं झाड़ू करूँगी। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊँगी, पोछा लगाने के बाद मैं नहाऊंगी और कपड़े वॉशिंग मशीन में मेरे डले ही है, मतलब धुल ही रहे हैं, तो सारे काम फटाफट हो जाएंगे। और बिस्तर भी अपना लग गया है और चलते अब झाड़ू लगा लेते फटाफट से। और कल मुझे जाना है अपने मामा जी के यहाँ, तो भाई भी आ गया है तो मामा जी के यहाँ जाना है, थोड़ा काम है उधर तो जाऊंगी। तो आज जो भी कपड़े वगैरह हैं सारे काम है वो मैं आज ही कर लूँगी, फिर 1-2 दिन बाद आऊँगी वहाँ से, फिर से मुझे रूम की साफ़ सफ़ाई करना पड़ेगी। तो चलो फटाफट से, आप लोग भी इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और मेरे वीडियो किस किस को अच्छे लगते हैं वो मुझे कमेंट करके